आइए आज आपको दिखाते हैं। आप ये मंदिर देख के पहचान सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन सा मंदिर है। ये रामगढ़ जिला क्षेत्र के अंतर्गत रजरप्पा मंदिर आए हुए हैं, जो कि ये रामगढ़ ज़िले में पड़ते हैं। बहुत ही विख्यात और शक्तिशाली माँ छिन्नमस्तिके का मंदिर है। आइए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दर्शन कराते हैं, जो कि यहाँ भोलेनाथ का प्रतिमा है, आप देख सकते हैं। चलिए तो जिन भाई बहनों का दर्शन हो गया होगा वो कमेंट में हर हर महादेव, जय माता दी, जय माँ काली, जय माता दी, जय छिन्नमस्तिके जरूर लिखें। ये देखिए बाबा भोले का शिवलिंग बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा देख सकते हैं। जय बाबा भोलेनाथ, हर हर महादेव, श्री शंभु। चलिए अब हम साइड से इधर कोशिश करते हैं मंदिर दिखाने का ही, लेकिन यहाँ हम लोग अभी बाहर में ही हैं, अंदर तो नहीं जा सकते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ है कि लोग परेशान हो जा रहे हैं मंदिर के सामने आते जाते हैं। देख सकते हैं आप कितना श्रद्धालुओं का भीड़, बहुत ही भीड़, बहुत ही खतरनाक। देखिए आइए थोड़ा आगे तक जाते हैं और कुछ ही देर में दिखाते हैं कुछ कुछ सुंदर सा दृश्य, जो कि बहाव है पानी का। तो चलिए दोस्तों आप ब्लॉग पे बने रहें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, वो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए ये देखिए, ये हवन स्थल है, जो कि पूजा करने के बाद यहाँ पर हवन मने होता है, और ये मनोकामना चुनरी स्थल इच्छा पूर्ण हेतु, जो कि आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कुछ भी संकल्प करके चुनरी को बांधने पर आपका मनोकामना पूर्ण होती है। चलिए जय माता दी। तो ये देखिए मुख्य मंदिर जाने का रास्ता, आप देख सकते हैं, जय माँ छिन्नमस्तिके। देखिए यहाँ तक आ पहुँचे हैं। चलिए अभी अंदर की ओर हम लोग घुस रहे हैं मंदिर की, देखते हैं कितने दूरी पर है। देखिए अभी तो बहुत, अभी के करीब 3:30 बज चुके हैं, जिसके कारण से भीड़ उतना जो है दिखाई नहीं पड़ रहा है। देख सकते हैं ये जो जगह आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं रामगढ़ पुलिस जो कि चौकी लगाया गया है, जो कि देख सकते हैं आप कितनी, देखिए ये पूरा खाली खाली नज़र हो गया, देखिए कितना खाली हो गया, देख सकते हैं आप। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया सुंदर दृश्य और शानदार सीन, लोग यहाँ खड़े रहते हैं इस लाइन से होते हुए बारी बारी से। देखिए अभी एकदम दूरी पर दिखाई दे रहा है, देखिए सब लोग वहाँ पर चले गए हैं। उसके बाद एक ही घंटे के अंदर माता रानी का दर्शन यहाँ प्राप्त हो जाएगा, जो कि मेरी माँ अभी अंदर गई हुई है और बहुत सारे लोग गए हुए हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही शानदार सीन दिखा सकते हैं आपको, यहाँ पे आए हुए हैं देखिए। ये नदी कौन सा है भैया? दामोदर। अच्छा दामोदर ही नदी है उधर? हाँ हाँ, अच्छा वो भेड़ा नदी बोलते हैं, हाँ ये तो दामोदर नदी है। देखिए कितना सुंदर यहाँ पे नाव जो है, 1 2 3 4 5 6 6 नाव है, लोग बोटिंग करते हैं, कितना सुंदर और शानदार सीन। देखिए थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, ये देखिए बहुत ही मज़ा आ रहा होगा इन लोगों को। यहाँ से मतलब छिन्नमस्तिके मंदिर का जाने में कितना देर तक में पहुंच जाते होंगे लोग? अब लगभग कितना देर में पहुंच जाएंगे? भीड़ के अनुसार है, भीड़ रहा है, सुबह देखे थे कितना भीड़ था। हाँ सुबह बहुत ज़्यादा पूरा भीड़ था, पूरा पूरा
अच्छा अच्छा तो यही रास्ता से न जाता है, ऊपर से नहीं ना? यही से जाता है। हाँ मत बना रहे हैं तो फिर जो है माँ माता का दर्शन के लिए फिर पहुँचेंगे। बस माता का आशीर्वाद के अनुसार हम लोग को जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त हो सके। देखिए अभी भी लोग जो है माता रानी का दर्शन के लिए आ ही रहे हैं। इन लोग बहुत पीछे आए। अच्छा पूजा के लिए खाली आए, पूजा के लिए। देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए तो आज के लिए इतना ही।